नीट यूजी री एग्जाम में 1563 में से 750 छात्र नहीं पहुंचे। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। जांच के लिए दो टीम गुजरात और बिहार जाएगी। संसद सत्र आज से 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में 8 बैठकें होगी। प्रोटेम स्कीम पर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। फिर स्पीकर का होगा चुनाव। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। 2 दिन पहले निचली अदालत ने बेल दी थी। ईडी की अर्जी पर हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक। राहुल का वायनाड को पत्र, लिखा, आप मेरे परिवार का हिस्सा, मैं अजनबी था, फिर भी मुझ पर विश्वास किया, आपसे दूर होते हुए उदास हूँ। निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर वार, 56 लोगों की मौत पर पूछा, कहाँ है राहुल और खड़गे। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 56 लोगों की हो चुकी मौत। निर्मला सीतारमण ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की है मांग। पूर्वोत्तर में बनाने होंगे 50 बड़े तालाब, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़ना जरूरी, अमित शाह का प्लान। आज लोग उसी अंगुली को काटते हैं, वसुंधरा राजे के निशाने पर कौन। वसुंधरा राजे ने कहा कि आज लोग उसी अंगुली को काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। उदयपुर में विशिष्ट जन समारोह को किया संबोधित और कही ये बात। राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे के बयान के सियासी मायने निकाल रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लंबे समय बाद राजे ने चुप्पी तोड़ी है। पार्टी आलाकमान को संदेश दिया है कि वह अब चुप रहने वाली नहीं है। दूसरा, उन लोगों को निशाने पर लिया है जिन्हें वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ाया था। बिहार में सीबीआई के अधिकारियों पर हमला, गाड़ी के शीशे भी तोड़े। नवादा में यूजीसी नीट पेपर लीक मामले की जांच करने पहुंची थी टीम। रूस में दागिस्तान माखचकाना में आतंकी हमले में 15 पुलिसकर्मियों समेत कई नागरिकों की मौत, कई घायल, दो हमलावर ढेर।